हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो छात्रों, आप में से काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट बने हुए हैं कि सर रिजल्ट के रिगार्डिंग, कि रिजल्ट हमारा कब तक आ रहा है और इसमें हो रही देरी का क्या कुछ कारण है। तो इस सभी कुछ चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। आप चाहे KVS के, आप चाहे PRT के छात्र हैं, चाहे आप PGT के छात्र हैं, चाहे आप TGT के छात्र हैं, सभी का रिजल्ट के रिगार्डिंग काफ़ी बेसब्री से इंतजार बना हुआ है। रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से बनना एक जाहिर सी बात है, क्योंकि जो भी ये बीएड और BTC का जो भी मुद्दा चल रहा था, उसमें भी फाइनल कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से ये बेसब्री का इंतज़ार काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है छात्र। तो जो एकदम जाहिर सी बात है, लाजमी सी चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, बिल्कुल आप सभी में से काफ़ी सारे छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमें काफ़ी सारे यूट्यूब ऐसे वीडियो में पता चला है कि जो है रिज़ल्ट जो है पूरा वहाँ पे बताया जा रहा था। एक ऐसी खबर थी कि जो है अगस्त महीने के लास्ट तक रिज़ल्ट हम सभी का जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जो रोज़गार मेला है 30 अगस्त को जो नियुक्ति पत्र बांटा जाता है, उसमें मतलब कि नियुक्ति पत्र बांटने के लिए वैसा रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है। उसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि 5 सितंबर भी पास में ही आ चुका है, जिस दिन टीचर्स डे होता है, तो उसके उपलक्ष्य में भी रिज़ल्ट को उससे पहले जारी करने की बात कही जा रही थी। लेकिन जो कि अब आप फाइनली मान के चल सकते हैं कि नाकाम ही नज़र आ रही है अभी तक के सिनेरियो को देखते हुए, ठीक है। तो सबसे पहली बात छात्रों, मैं आपसे बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि KVS में काफ़ी सारे टीचरों का जो है ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है। जिस कारण से क्या हुआ कि काफ़ी सारे जो भी टीचर हैं उनको सभी को ट्रैवल करके एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट करना पड़ा है, वो चाहे किसी भी पोस्ट के टीचर्स थे, ठीक है। तो अभी ये पूरा मतलब एक KVS ने अब क्या है ना, सडन से आप किसी भी पूरे अब डिपार्टमेंट में ऐसा ट्रांसफ़र करोगे तो जाहिर सी बात है कि पूरे ऑफिशियल वर्क में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होना ही होना है। उसके साथ साथ में क्या है, इधर रिजल्ट भी पेंडिंग में, ठीक है। अब रिजल्ट पेंडिंग में है, उधर वो लोग ट्रांसफ़र ऑर्डर कर रहे हैं, जिससे क्या होता है डिपार्टमेंट में मतलब कोई कहीं सीट खाली है, कहीं भर रही है, तो वो थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है, ठीक है छात्र। इसके पीछे क्या है, अब उनको पूरा डाटा तैयार करने के लिए भी काफ़ी टाइम लग रहा है, जिस कारण से वो लोग फाइनल रिजल्ट भी रेडी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि रिजल्ट जारी करने में मतलब पूरा देरी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं KVS गलती कर रहा है, ठीक है, छात्रों के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ ही है, ठीक है। जब यहाँ बच्चे 3-3 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, तो KVS को ऐसे मतलब कि प्लानिंग करके चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहिए, राइट। तो ये गलती जरूर KVS की तरफ से की जा रही है छात्रों। तो अभी हम अगर फाइनल रिजल्ट की बात यहाँ पे करी जाए कि रिजल्ट आप सभी का कब तक आ सकता है, तो देखिए छात्र, अब यहाँ पे रिजल्ट की अगर बात करी जाए तो अभी तक जो भी बचा कुचा पेंडिंग हुआ है ट्रांसफ़र के, जो भी मतलब कि उनका ऑफिशियल वर्क जो भी पेंडिंग है, उसमें आप मान के चल सकते हैं कि अभी भी मैं साफ बात आपको बोल दूँ तो 25 से 30 डेज का टाइम अभी भी लगने के पूरे चांसेस हैं छात्र, ठीक। क्यों चांसेस हैं, उसके पीछे क्या कुछ कारण है, अभी मैं आप सभी को बता चुका हूँ, ठीक है। उसके पीछे क्या कुछ कारण है, ठीक है छात्र। तो आप सभी लोग बस उतना ही है कि देखिए, अब रिजल्ट का तो इंतज़ार बना ही हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग अपने परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि जब भी आपका इंटरव्यू हो तो आपका एकदम मतलब एक सीट आपकी पक्की रहनी चाहिए, है ना। आपके दिमाग में ऐसा एक माइंडसेट रेडी रहना चाहिए छात्र। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग जैसे ही आप कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले वीडियो आप सभी को इस चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एकदम रेडी रहिए, ठीक है। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है रिजल्ट के रिगार्डिंग, सबसे पहले वीडियो आप सभी को इस चैनल से मिलेगी, ठीक है छात्र। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप सीधे हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं वहाँ से रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।